सिवान नाम तो सुना ही होगा। सिवान बिहार का एक प्रमुख और ऐतिहासिक जिला है। सिवान का नाम वहां के राजा सिवान के नाम पर रखा गया था। बिहार के सिवान जिले ने ही देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया था। और जब सिवान की बात आती है तो हम देश के सबसे बड़े ठग नटवर लाल को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने ताजमहल, संसद भवन और लाल किला जैसे देश के धरोहरों को कितनी बार बेचा होगा, जिन पर दो मूवी भी बन चुकी है, मिस्टर नटवर लाल और राजा नटवर लाल। अब जब हम बिहार की इस ब्यूटीफुल सिटी सिवान के बारे में जान ही रहे हैं, तो चलिए सिवान की इन सड़कों से होते हुए सिवान के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी जानते हैं। तो हागरा धाम मंदिर, भगवान शंकर की पूजा के लिए पूरे देश भर में देवघर में स्थित बाबा बैजनाथ धाम विख्यात है, जहां सावन के महीने में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन भोलेनाथ भगवान शिव की महिमा और कृपा के लिए एक और धाम प्रसिद्ध है, वह है सिवान का सहोगरा धाम, जहां बाबा हंसनाथ मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहां पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने से न सिर्फ मनचाही मुरादें पूरी होती हैं, बल्कि सुयोग्य वर यानी पति और संतान की भी प्राप्ति होती है। यहां भी सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सहोगरा धाम सिवान जिला मुख्यालय से 39 किलोमीटर की दूरी पर गुठनी प्रखंड में स्थित है। बाबा महेंद्रनाथ मंदिर, ऐसी मान्यता है कि बाबा महेंद्रनाथ के इस प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निसंतानों को संतान और चर्म रोगियों को भी उनकी बीमारी से निजात मिल जाती है। कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व नेपाल नरेश महेंद्र वीर विक्रम सहदेव को कुष्ठ रोग हो गया था। वह अपने कुष्ठ रोग के इलाज के लिए वाराणसी जा रहे थे। यात्रा के दौरान हाथ मुंह धोने के लिए पानी तलाश कर रहे थे। काफी तलाशने के बाद उन्हें एक गड्ढे में पानी मिला। राजा विवश होकर उसी से हाथ मुंह धोने लगे। जैसे ही गड्ढे का पानी कुष्ठ रोग से ग्रस्त हाथ पर पड़ा, हाथ का कुष्ठ रोग गायब हो गया। उसके बाद राजा ने उसी पानी से स्नान कर लिया और उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। फिर राजा ने गड्ढे वाले स्थान पर 552 बीघा में पोखरा खोदवाया और शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो आगे चलकर मेहदार शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 552 बीघा का पोखरा आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मनोकामना पूर्ति के लिए यहां मट्ठा टेक चुके हैं और रुद्राभिषेक भी कर चुके हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ बैजनाथ धाम जैसा दृश्य रहता है। बाबा महेंद्रनाथ मंदिर जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में सिसवन ब्लॉक के अंतर्गत मेहदार गांव में स्थित है। जीरादेई, जीरादेई को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, जिन्हें बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जीरादेई जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आसियाना, यह स्थान देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजहरुल हक के पैतृक निवास के रूप में जाना जाता है। मौलाना मजहरुल हक ने सन 1900 में सिवान जिला के फरीदपुर में एक घर का निर्माण करवाया और इसका नाम आसियाना रखा। पंडित मोतीलाल नेहरू, श्रीमती सरोजनी देवी, पंडित मदन मोहन मालवीय, के एफ नरीमन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फरीदपुर में इनके घर आसियाना का दौरा कर चुके हैं। आसियाना सिवान के फरीदपुर में स्थित है। आनंद बाग मठ और सुंदर बाग मठ, सिवान के सिसवन ब्लॉक के बखरे गांव में स्थित दो मंदिर वास्तव में दो प्रसिद्ध संतों स्वामी जगन्नाथ दास जी और उनके गुरु भगवान दास जी की समाधि स्थल है। दोनों मंदिर दहा नदी के किनारे स्थित हैं। हर साल हजारों भक्त इस मंदिर में जाते हैं। रघुनाथपुर, जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में स्थित रघुनाथपुर वह स्थान है जहां भगवान राम ने राक्षस ताड़का को मारने के बाद विश्राम किया था। बाद में भगवान राम सरयू नदी को पार करने के बाद जनकपुर धाम के लिए रवाना हुए थे। भिखा बंधु, यह स्थान एक भाई और उसकी बहन के बीच स्नेही संबंधों का प्रतीक है। जिले के महाराजगंज ब्लॉक के भिखाबंद गांव में भाई बहन का मंदिर मौजूद है। लोक कथाओं के अनुसार एक भाई और बहन ने 14वीं शताब्दी में मुगलों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पंचमुखी शिवलिंग, सिवान शहर के महादेव इलाके में एक पुराना शिव मंदिर है जिसमें एक पंचमुखी यानी पांच मुख वाला शिवलिंग है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में शिवलिंग पृथ्वी से निकला है। शिवलिंग पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चेहरे भी देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं। महाशिवरात्रि पर यहां मेला भी लगता है। बुढ़िया माई मंदिर, सिवान शहर में गांधी मैदान के पूर्व उत्तरी हिस्से में स्थित यह मंदिर भक्तों की भारी भीड़ को आकर्षित करता है, खासकर शनिवार को। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां देवता की पूजा करने के बाद इच्छाएं पूरी होती हैं। अमरपुर, अमरपुर सिवान से 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है।
दरौली के पश्चिम स्थित इस गांव में घाघरा नदी के किनारे लाल ईंटों की मस्जिद के खंडहर आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने सन 1626 और 1658 के शासनकाल में नायब अमर सिंह की देखरेख में करवाया था, लेकिन यह काम अधूरा छोड़ दिया गया था। गांव का नाम मस्जिद के निर्माता अमर सिंह के नाम पर पड़ा है। दोन दरौली प्रखंड का एक गांव है, जहां एक किले के अवशेष हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह महाभारत के प्रसिद्ध नायक कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा है, जहां ब्राह्मण दोना ने अपना स्तूप बनवाया था। वर्तमान में दोना का स्तूप घास की पहाड़ी है और इसके ऊपर एक हिंदू मंदिर बना हुआ है। बौद्ध धर्म का मानना है कि दोन में भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। चीनी यात्री हेंग सोन ने अपने यात्रा वर्णन में एक पुराना स्तूप होने का वर्णन किया था। हसनपुरा, यह हुसैनगंज प्रखंड का एक गांव है। ऐसा कहा जाता है कि मखदूम सैयद हसन चिश्ती, जो अरब से भारत आए थे और यहां आकर बस गए थे, उन्होंने एक खानकाह की स्थापना की थी। दरौली, कहा जाता है कि दरौली ब्लॉक मुख्यालय सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकोह के नाम पर स्थापित किया गया था। इसका नाम दारस अली था, बाद में इसे दरौली में बदल दिया गया। यहाँ मुगल काल की याद दिलाते हुए खंडहर मिल सकते हैं। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बड़ा मेला भी लगता है। लकड़ी दरगाह, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका नाम एक मुस्लिम मकबरे से लिया गया है। मकबरा शाह अर्जन नाम के एक मुसलमान संत का है, जो पटना के रहने वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि वह उस जगह के एकांत से आकर्षित थे। उन्होंने 40 दिनों का एक चीला या धार्मिक चिंतन किया था। उन्होंने एक धार्मिक प्रतिष्ठान भी स्थापित किया, जिसे सम्राट औरंगजेब ने संपन्न किया। संत की पुण्यतिथि हर साल रवि उस सानी की 11 तारीख को मनाई जाती है, जो एक बड़े भीड़ का आकर्षण बनती है। महाराजगंज को बसनौली गंगर के नाम से भी जाना जाता है। यह जिले का सबसे बड़ा बाजार है। यह वह स्थान है जहां भारतीय स्वतंत्रता के महान नायक श्री फुलेना प्रसाद ने अपनी गतिविधियों को केंद्रित किया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मैरवा धाम एक प्रसिद्ध ब्रह्म स्थान है, जिसे स्थानीय रूप से हरिराम बाबा के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर संत के अवशेषों पर बनाया गया है और यहाँ भूत प्रेत भी भगाए जाते हैं। यहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना सिवान के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिवान कैसे पहुँचा जा सकता है। सिवान तीन तरीकों से पहुँचा जा सकता है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग। सड़क मार्ग, नेशनल हाईवे 531 सिवान को गोपालगंज और छपरा से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 531 गोपालगंज में नेशनल हाईवे 27 से मिलता है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क है। इसके अलावा बिहार राज्य राजमार्ग 47 बड़हरिया, मैरवा और गुथनी को सिवान से जोड़ता है। राज्य राजमार्ग 73 और 89 भी सिवान के निकट से होकर गुजरते हैं। रेल मार्ग, सिवान में सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यह सिवान का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सिवान रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र के वाराणसी रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसका स्टेशन कोड SB है। वैशाली एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अरुणाचल AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, टाटा नगर छपरा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस सिवान रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं। हवाई मार्ग, सिवान में कोई हवाई अड्डा नहीं है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो पटना में 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि बिहार का निकटतम हवाई अड्डा है। गोरखपुर हवाई अड्डा 100 किलोमीटर और कुशीनगर हवाई अड्डा 95 किलोमीटर पास के अन्य हवाई अड्डे हैं। अरे यार, रुको जरा, सबर करो, क्योंकि सिवान की बात चलिए तो दूर तक जाएगी। तो चलिए अब हम सिवान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिवान की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व में सिवान की भूमि कोसल महाजनपद का अंग था। 8वीं सदी में यहाँ बनारस के शासकों का आधिपत्य था। 15वीं सदी में सिकंदर लोदी ने यहाँ अपना शासन किया था। बाद में यह मुगल शासन का हिस्सा हो गया। बक्सर युद्ध के विजय के बाद सन 1765 में अंग्रेजों को यहाँ दीवानी का अधिकार मिल गया था और इसे बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। 1829 में जब पटना को प्रमंडल बनाया गया, तब सारण और चंपारण को एक जिला बनाकर साथ रखा गया था। 1970 में विभिन्न स्थानों के अधिकार क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए गए। 1972 में नए अधिकार क्षेत्र के बाद सिवान को एक जिला घोषित कर दिया गया, जिसमें अभी के गोपालगंज के 10 ब्लॉक और सिवान के 13 ब्लॉक शामिल थे। 1973 में गोपालगंज को एक अलग जिला बनाने के लिए सिवान से हटा दिया गया। सिवान में अब 13 ब्लॉक और 2 अतिरिक्त ब्लॉक भगवानपुर और बसंतपुर शामिल थे। वर्तमान में 4 और ब्लॉक,
लकड़ी नबीगंज, नौतन, जीरादेई और हसनपुरा ब्लॉक बनाए गए हैं। सन 1885 में घाघरा नदी के बहाव की स्थिति के अनुसार लगभग 13,000 एकड़ की भूमि उत्तर प्रदेश को स्थानांतरित कर दी गई थी, जबकि 6600 एकड़ भूमि सिवान को मिला। असहयोग आंदोलन और फिर महात्मा गांधी द्वारा बुलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिवान इन आंदोलनों का केंद्र बन गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरे ने सिवान समेत बिहार के कई हिस्सों को कवर किया था। ब्रजकिशोर प्रसाद और फुलेना प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, डॉक्टर सैयद मोहम्मद और कई स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं ने सिवान को अंग्रेजों के खिलाफ अपना आधार बनाया। सिवान की मूल निवासी उमाकांत सिंह को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने मार डाला था। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर रुके थे। जिस चौकी पर महात्मा गांधी सोए थे वह आज भी राष्ट्रपिता की स्मृति और श्रद्धांजलि के रूप में उस स्थान पर संरक्षित है। चलिए अब हम सिवान के ज्योग्राफी के बारे में भी जान लेते हैं। सिवान उत्तर और पूर्व में गोपालगंज और सारण जिले से तथा दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिले से घिरा है। सिवान जिला बिहार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। सिवान दहा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंडकी नदी एवं घाघरा नदी सिवान की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा झरही, दाहा, घमती, सियाही, नकारी और सोना जैसी छोटी नदियाँ भी सिवान से होकर गुजरती हैं। सिवान जिले का क्षेत्रफल 2219 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बिहार का 24वां सबसे बड़ा जिला है। चलिए अब हम सिवान की डेमोग्राफी के बारे में भी जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सिवान की जनसंख्या 33,30,464 थी, जिसमें से 16,75,090 पुरुष हैं, जबकि 16,55,374 महिलाएं हैं। सिवान जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में 101वें और पूरे बिहार में 12वें स्थान पर है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 551,418 थी, जो सिवान जिले के कुल जनसंख्या का 16.55% है। सिवान की पॉपुलेशन डेंसिटी 1501 पर स्क्वायर किलोमीटर है। सिवान जिले की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 69.45% है। सिवान जिले का सेक्स रेशियो यानी पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 है, यानी सिवान जिले में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। सिवान सेक्स रेशियो के मामले में बिहार में दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के समय जिले की 93.36% आबादी भोजपुरी, 4.3% आबादी उर्दू और 2.12% आबादी हिंदी अपनी पहली भाषा के रूप में बोलती थी। सिवान में 81.45% हिंदू, 18.26% मुस्लिम, 0.29% अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। चलिए अब हम सिवान की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। सिवान जिले की इकोनॉमी का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। यहाँ कृषि में कई उत्पाद शामिल हैं, जिसमें धान और गेहूं प्रमुख हैं। सिवान की लगभग 72.6% भूमि खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सिवान जिले में धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, आलू इत्यादि अन्य फसलों की खेती की जाती है। सिवान जिले में छोटे उद्योग जैसे फर्नीचर, चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग शामिल है। इससे पहले सिवान जिले में चादरें, तौलियां, लुंगी, मच्छरदानी, शॉल और साड़ी का उत्पादन करते थे। इसके अलावा प्रचुर मात्रा में मवेशियों के आबादी के कारण दूध प्रसंस्करण करने का भी प्रस्ताव है। सिवान का बिहार की इकोनॉमी में काफी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सिवान, छपरा और गोपालगंज के ज्यादातर लोग गल्फ कंट्री जैसे सऊदी, ओमान, कुवैत आदि में रहते हैं और अपनी कमाई बिहार में भेजते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिवान, गोपालगंज और छपरा के लोगों की बिहार की इकोनॉमी में इतना बड़ा रोल है, फिर भी सिवान में या फिर सिवान के आसपास के क्षेत्रों में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। अब जब सिवान के बारे में सब कुछ जाने लिया है तो चलिए अब हम सिवान के कुछ फेमस लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और वकील थे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सिवान जिले के जीरादेई के रहने वाले थे, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, यानी इस देश को प्रथम राष्ट्रपति सिवान जिले ने ही दिया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न भी दिया गया था। अखिलेंद्र मिश्रा। अखिलेंद्र मिश्रा एक भारतीय फिल्म एक्टर हैं, जिन्होंने 90 के दशक में बनी सीरियल चंद्रकांता में क्रूर सिंह की भूमिका निभाई थी और ये सरफरोश, लगान, रामायण, वीरगति जैसी फिल्मों में अपना किरदार निभा चुके हैं। मौलाना मजहरुल हक। वैसे तो मौलाना मजहरुल हक का जन्म पटना जिले में हुआ था, लेकिन सन 1900 में वे सिवान जिले के फरीदपुर में आकर बस गए थे, जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। नटवर लाल। वो कहते हैं ना
एक बिहारी सब पे भारी। नटवर लाल, जिनका पूरा नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जो एक प्रसिद्ध भारतीय ठग थे जो हाई प्रोफाइल अपराधों और जेल से भागने के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और भारत के संसद भवन को एक बार नहीं कई बार बेचा था, और इन पर दो फिल्में भी बन चुकी हैं, मिस्टर नटवर लाल और राजा नटवर लाल। इनके अपराधों के लिए इन्हें बार बार जेल में भी डाला जाता था, लेकिन वो बार बार जेल से भाग जाते थे। नटवर लाल सिवान के बंगरा गाँव के रहने वाले थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक बाहुबली राजनेता और पूर्व सांसद थे। उन पर कई हत्याओं का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जिनकी मौत कोरोना काल में हो गई। निरुपमा पांडे, विंग कमांडर निरुपमा पांडे एक भारतीय पर्वतारोही है। वह 25 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली बिहार की पहली व्यक्ति बनी। निरुपमा भारतीय वायुसेना की पहली सर्व महिला टीम का हिस्सा थी, जिनका जन्म जामो जलालपुर सिवान में हुआ था। रजा नकवी वाही अपने समय के दौरान एक भारतीय उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जिनका जन्म खुजवा सिवान में हुआ था। सैयद अली अख्तर रिजवी, जिन्हें अदीब ए असर और अल्लामा सूर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्कॉलर, पब्लिक स्पीकर, ट्रांसलेटर और इतिहासकार के साथ साथ कवि भी थे, और इन्होंने कई इस्लामी किताबें लिखी थी। मिहिर दिवाकर एक भारतीय क्रिकेटर है। उन्होंने 1999 और 2009 के बीच 39 प्रथम श्रेणी और 36 लिस्ट ए मैच खेले। वह 2000 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम का हिस्सा भी थे। मनोज भावुक एक भोजपुरी भाषा के कवि, अभिनेता, टेलीविजन प्रेजेंटर और स्क्रीन राइटर हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी और 2006 में उनके गजल संग्रह तस्वीर जिंदगी के लिए भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ब्रज किशोर प्रसाद एक स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलन के दौरान मोहनदास गांधी से प्रेरित वकील भी थे। गुड्डू रंगीला, भोजपुरी के मशहूर गायक गुड्डू रंगीला भी सिवान के ही रहने वाले हैं। आर्या नंदनी एक भोजपुरी भक्ति सॉन्ग गायिका हैं, जो कि बिहार के सिवान जिले से ही हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी हमें जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप कौन सी जिला पर देखना चाहते हैं, और इस वीडियो में जो चीजें छूट गई हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो।